गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं तमेव। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को भगवान को असीम शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। हम जब भी मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो मैं आपकी शक्तियों को आपको प्रणाम करता हूँ। ये बात शब्दों में नहीं है, ये बात प्रैक्टिकली रियलिटी में है। इस बात को महसूस करने की कोशिश करें। हमारी जो शक्ति क्रिया ध्यान विधि प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो मुझे अनुभव हुए गुरु महाराज जी के चरणों में और बहुत से लोगों को हुए हो रहे हैं, उन्हीं का निचोड़ आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमें भगवान की भी प्राप्ति चाहिए, ईश्वर की कृपा भी चाहिए। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, वो जन्म भी हमारा सफल होना चाहिए। हम अच्छे अच्छे कार्य करते करते भगवान के चरणों में जाएं और जो आवागमन का जो चक्कर है, जन्म लेने देने का चक्कर है, समाप्त हो जाए। इसके साथ बहुत जरूरी है कि हम आए हैं इस दुनिया में, इस जगत में हम सक्सेस हो करके जाएं, हम कामयाब होकर के जाएं। कामयाब होना, सक्सेस होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम क्या करते हैं सक्सेस के लिए, सफलता के लिए बाहर की ओर ढूंढते हैं, जबकि सब कुछ हमारे अंतर में है। दोस्तों, आप जीवन में पूर्ण विजयी होना चाहते हैं, पूर्ण सफल होना चाहते हैं, जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, भगवान के चरणों में भी लगना चाहते हैं, दूसरों का भला भी करना चाहते हैं, समाज सेवा भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत बड़ा टूल है। मंत्र जाप आपके लिए बहुत बड़ा साधन है। ये आपकी शक्तियों को मल्टीप्लाई करता है और उसके लिए स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमें अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि मुझे स्पिरिचुअल होना है। जैसे किसी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उस स्पिरिचुअल होने के भी कुछ नियम हैं, बहुत से लोग फॉलो नहीं करते। मैं भी अपने आसपास देखता हूं, जो अपने आप को मेडिटेशन का धुरंधर कहते हैं वो भी फॉलो नहीं करते। मेरे में भी कोई कमी रह जाती होगी, उस कमी को हमें ठीक करना है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल में आपको सहनशील होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पांच तत्व के बने हैं। पांच तत्वों का हमारा शरीर बना है ना, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। तो पृथ्वी शांत है, सहनशील है, हमें पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी होगी। किसी ने हमें गाली भी निकाल दी, किसी ने हमें बहुत बुरा भला कहा, किसी ने हमें डिफेम किया, किसी ने हमारे चरित्र पर दोष लगाए, अब उचित नहीं होना।
अगर आप में कोई कमी है उसने कहा तो सीखने की कोशिश करना, उस कमी को दूर करना, नहीं है तो हंस के निकल जाना, क्योंकि वो जो कर सकता था उसी ने किया। जो सच्चा दोस्त होता आपको मुंह पे बोलता कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, उसने पीठ के पीछे किया जी उसका चरित्र ना, आप उसको क्षमा करके आगे निकल जाना। जल, जल से क्या सीखना है? शीतलता। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए तो आप शीतल रहेंगे, इसके लिए लंबे बात फिर कभी करेंगे। वायु से चारों ओर अपनी महक को फुलाना, वायु से चारों ओर अपनी महक को ले जाना आगे, आपकी खुशबू सभी ओर फैल जाए ऐसी कोशिश करना। अग्नि से जब आपके अंतर में कोई संकल्प है तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी फायर हो आपके अंदर में, आपके अंतर में पूरी अग्नि हो आपके अंतर में, और आकाश आप विशाल हो विराट। जब आप में जब सभी चीजें आ जाएंगी तो आप कहते हैं ना, आजकल हम बहुत कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड लें, हम नेचुरल रहें, हमें बाकी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो नेचुरली हम ऐसी स्थिति के ही बने हैं। हमें इन चीजों को अपने ऊपर लागू करना होगा। हम अपने पांच तत्व को, हम अपने शरीर को जब इस नेचुरली ले आएंगे ऐसी स्थिति में, तो आप देखना कि आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। कभी कभी क्या करते हैं हम, किसी ने हमें कह दिया ये क्या किया तूने, तू है ही ऐसा, आप तो हमें पता ही था आप ऐसा ही करोगे। कभी आप किसी के लिए बहुत दुख सुख में काम आते हो, साथ खड़े रहते हो, फिर भी कोई कहेगा आपको जब भी आपकी जरूरत पड़ी आप तो मिले ही नहीं, आपने तो फोन भी नहीं उठाया। तो आपने सुनने की तैयारी रखना, आप कभी भी क्रोध में नहीं आना, क्योंकि वो जो कह सकता था उसने किया, उसने कहा, आपने अपनी स्थिति में रहना। और प्यार ही प्यार, जितना भी प्यार बांट सकते हो, जितना भी प्यार कर सकते हो, उस प्यार को बढ़ाना ही बढ़ाना है। आजकल प्यार ने एक वासना का रूप ले लिया है। जो प्यार है वो बहुत ब्रॉड माइंड है, उस प्यार को महसूस किया जा सकता है। आई लव यू कहने से पैदा नहीं होता, अंदर से उसकी एक फीलिंग होती है। जब तक उसकी फीलिंग नहीं होगी तब तक वो बात नहीं बनेगी। वो फीलिंग कभी भी किसी को देख के हो सकती है। तो आप देखें कि इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत सी ईमेल जाएं, बहुत से लोगों के क्वेश्चन जाए, इसलिए मुझे कि हम सफल नहीं हो पा रहे, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, हमें निंदा से, चुगली से, इधर की बात उधर करने से बचना चाहिए। मेरी एक छोटी बच्ची दोस्त है, कल मेरे को, उसकी बेटी है, कल उससे बात हो रही थी दो दिन पहले, तो उसकी सिस्टर ने कुछ कहा उसको कि आप वहाँ जा रहे हो, मुझे वहाँ की फ़ोटो भेजना। तो उसने जो जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहती तुम्हें उसकी फ़ोटो क्यों चाहिए, तुम अपना देख, उनके घरों में क्यों दखलंदाजी करना है तुम्हें। तो हम जब तक दूसरों के घरों में, दूसरों के मनों में, दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करना नहीं छोड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब आपके अंतर में ये चीज़ें आ जाएंगी आप सोचें कि आप मेडिटेशन के काबिल हो जाएंगे, आप उस स्थिति में बढ़ने के काबिल हो जाएंगे। आप करके देखो इस स्थिति को। जैसे आप देखो बाघ का बच्चा बाघ ही होगा, शेर का बच्चा शेर होगा। आप घर के लिए डॉगी लेने जाते हो तो डॉगी का भी पता करते हो, इसकी माता कैसी थी, इसका फादर कैसा था, उसके वंश का पता करते हो, फिर उसको घर में लाते हो। पर आप किसके पुत्र हो, आप किसकी बेटी हो, आप किसके बेटे हो,
आप ध्यान से देखोगे, आप कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं देखे जाओगे तो आप तो परमात्मा के बेटे हो, आप उस माँ जगत जननी के बेटे हो, आप शिव शक्ति के बेटे हो, आप भगवान के बेटे हो। तो जब आप अपने माता पिता के बारे सोचते हैं, आप अपने गुरु के बारे सोचते हैं, तो फिर आपको प्राउड होना चाहिए कि हम इस गुरु के शिष्य हैं और हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। हम माता पिता हमारी माँ, हमारे जो शिव शक्ति हैं, माँ हमारी माँ है, राजर्जेश्वरी जगत जननी हमारी माँ है। जब ऐसा सोचना शुरू करते हो आप सीधा सीधा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, आप पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाते हो और आपको पूरी की पूरी यूनिवर्स की शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक नेगेटिव थॉट्स, दो नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आपके नेगेटिव थिंग मल्टीप्लाई होती हैं। किसी की जीवन में हेल्प किया तो भूल जाना, किसी ने हेल्प किया तो याद रखना। आप देखेंगे कि आप जिंदगी में इतना आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जिंदगी में नकारात्मकता को बाहर निकाल लो, जेलसी को बाहर निकाल लो, किसी ने कुछ कहा उसको माफ करके आगे बढ़ो और फिर आपकी संकल्प शक्ति की शुरुआत होती है। ब्रीफ में बेटा बता। Guruji welcomes the divine within all of us to our Sunday morning meditation class. He emphasizes that the spirituality that he is teaching all of us is very practically based. It is based in the experiences of Guruji and Guruji's Guruji. It is very important for us to live a life that is practically successful and also spiritually successful. Leaving this world with success, with attaining success, gives a unique kind of satisfaction. That's what we're all working towards. And Guruji emphasizes that everything that we need is within us. There is no need to look externally. Mantra chanting multiplies our energies, but in order for that to happen, it's very important for us to be spiritual. And the principles of being spiritual is something that Guruji explained, and I'll go into a little bit of detail on, which is take our inspiration of being spiritual from the five elements of nature. Be resilient. If someone speaks ill of us or acts ill with us, don't fall into that. Be resilient, be immune to that. And then be adaptable and pliable like water. Learn to adjust to situations, change with however life takes us. And take inspiration from fire to have the energy to really work towards our sankalp with all of our energy, our internal energy, and apply it towards that sankalp. And be limitless like the sky. Don't put any limits on your success, on your progress. Being broad-minded is very important, to feel love deeply from inside. Prevent your anger in your daily life. These are all very important to be successful and spiritually and practically in life. As always, Guruji says, stay away from jealousy and anger. We are all God's children. Keep ourselves free from negativity and focus on the positive to improve our own lives and the lives of those around us. हमें अपनी संकल्प शक्ति को अच्छा करना है, हमें अपने विचारों को अच्छा करना है, हमें अपने थॉट्स को अच्छा करना है। जितने जितने हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे संकल्प शक्ति उतनी ही दृढ़ होगी। और हम आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं, संकल्प शक्ति का सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है। बहुत बड़े संगीतकार हुए, राजा थे, पर संगीत में भी उनकी बड़ी महिमा थी। साउथ इंडिया में बहुत बड़े महासंगीतकार हुए।
ये घटना मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, पर मेरे जब भी आज्ञा चक्रा की बात आती है, संकल्प शक्ति की बात आती है, ये घटना मुझे याद आती है। बहुत से लोगों को उन्होंने संगीत सिखाया था, उनका 80वां बर्थडे मनाया जा रहा था, दूर दूर से बड़े बड़े लोग उनके बर्थडे में शामिल हो रहे थे। एक ऐसे फकीर टाइप व्यक्ति था, उसने भी उनसे संगीत सीखा था। कहते हैं जहाँ भी अपनी वायलिन बजाता, संगीत की तार छोड़ता, अपनी संगीत की जब भी संगीत की धुन को छेड़ते, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, वहां से हिल ना पाते। और फकीर था, जो कपड़ा पहना जब फट गया तभी उतारा, अपने साथ कुछ खाने का नहीं रखा। वो भी अपने गुरु के जन्मदिन में शामिल हुआ, दरबान अंदर नहीं जाने दे रहा था, किसी तरह से अंदर गया, दरबान को रिक्वेस्ट की कि मैं राजा से कुछ लेने नहीं आया, देना चाहता हूं। दरबान भी हंसा, भेज दिया। राजा ने देखा कि जे मेरा शिष्य आया है, खुश हुआ। तो सबसे पहले राजा ने हुक्म दिया कि इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको खाना खिलाओ, इसको अच्छी तरह से नहलाओ धलाओ। वो उसने कहा, राजा गुरुवर, आज आपसे कुछ मैं लेने नहीं आया, देने आया। राजा फिर हंसा, जी क्या दे रहा। बाकी लोग भी हंसने लगे। जब वो जिद करने लगा तो बोले, क्या देना चाहता है? बोले, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 5 मिनट ध्यान किया, कहता मैं आज्ञा देता हूँ अपने आज्ञा चक्कर को कि मेरी बाकी की जितनी भी जिंदगी है वो मेरे गुरु को, राजा को लग जाए। आफ्टर 5 मिनट वो व्यक्ति मृत पाया गया। ऐसी आज्ञा चक्कर की शक्ति होती है, ऐसी आज्ञा चक्र की ताकत होती है, इसीलिए इसको आज्ञा चक्रा कहा जाता है। आप जो भी आज्ञा देते हैं वो पूरी करता है। और आपके मन में नेगेटिव भावना है, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना है, तो आज्ञा चक्र पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आपका नेगेटिव होने लगेगा। एक शिकागो से मुझे मिलने वाले हैं, हस्बैंड डॉक्टर हैं, वाइफ भी अच्छी पोस्ट पे हैं। पीछे उनसे मुलाकात हुई, बोले सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, हम एंजॉय नहीं कर पाते और अपने आप को अकेला फील करते हैं। हमने अपने रिश्तेदारों की बड़ी हेल्प किया, सेटल किया, ये किया, वो किया। मैं उनको जो जानता हूँ सब मेडिटेशन सिखा चुका था, मंत्र भी दे चुका था, पर बात नहीं बनी। कहते कोई बढ़िया सी शक्तिशाली चीज बताओ। मैंने कहा, आप करोगे तो मैं बताऊंगा, आप करते नहीं हो। कहते करेंगे। तो जब ज्यादा स्थिति आ गई, उनकी प्यास बढ़ गई, तो मैंने कहा मेरे को आपसे जे दक्षिणा चाहिए। गुप्त नवरात्रि से 15 दिन पहले की बात है। अगर आप करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं करना तो पूछना नहीं, जैसे पहले आपको बताया वैसी स्थिति आ जाएगी। बोले, हम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते, मैं आपको 1 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है, आप चलते फिरते कर लोगे, बड़े खुश होंगे। मैंने बोला, आज से कम दिन में 2000 बार दोहराओ कि मैं उस महाराज राजेश्वरी का बेटा हूँ, मैं भगवान का डायरेक्ट बेटा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, और उसकी शक्तियों के बारे सोचना शुरू करो। मेरे गुरु ने मुझे बुलाया है, उन शक्तियों से अवगत कराया है। शक्तियां तो थी ही आपके अंतर में, आप बार बार इस चीज को दोहराओ, बार बार इस चीज को दोहराओ।
आप हैरान होंगे, जैसे जैसे उन्होंने दोहराना शुरू किया, पहले तो बोले कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं और करो। अभी 10 दिन पहले मेरी अच्छी तरह बात हुई, कहते हमें पूरे जीवन की समझ आ गई, हम जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, हम कभी भी हम कहीं भी अकेला नहीं पाते अपने आप को, हमें लगता है 24/7 365 वो माँ की शक्ति, गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति हमारे साथ है। मैं साथ नहीं, आप उसका अंश हो, आपसे अलग ही नहीं है, आप उसको पहचानो। दोस्तों, आप उस शक्ति को, उस परम शक्ति को, उस पावर को पहचानो जो सिद्ध महापुरुषों ने बताई हमें, हम उसको जान नहीं पाते हैं, हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, शक्तियों को बाहर ढूंढते हैं, तो बाहर नहीं है, आपके अंतर में है। और जब आप शक्ति पीठों पे जाते हो, किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, तो शक्तियाँ और मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ जो भी संगत आती है वो भी सिमरन करती है, जाप करती है, ध्यान करती है, उससे हमारी बैटरी और रिचार्ज होती है। इतनी सी बातें थी जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं ध्यान में आगे जाने के लिए। उसके पश्चात आप ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, ध्यान कक्ष में प्रवेश होंगे, ध्यान की पाठशाला में जाएंगे, मंत्र की प्रयोगशाला में जाएंगे, तो अब खाली हाथ नहीं निकलेंगे। और अपना डिसिप्लिन बनाना, जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, सुबह जल्दी उठने का नियम जरूर बनाना। जैसे सुबह 5 बजे उठ जाते हो, तो उठते ही कम से कम आधा घंटा 40 मिनट ब्रश वगैरह करके, चाय पीनी है पी सकते हो, और आप ध्यान में बैठ जाओ। कर्मकांड की पूजा, दिया वगैरह बाद में जला लो। उस टाइम में हमारी सब एनर्जियां जागृत होती हैं, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा कलेक्टिव माइंड पूरी पावर में होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड इतना जागृत नहीं होता है। उस टाइम पे हम जो करते हैं उसका फल दूसरा मिलता है। और मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो नेगेटिव हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से जलसी करते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, मन में बदले की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए जजमेंट करते हैं, दूसरों के दोष निकालते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको उनके लिए ध्यान नहीं है, वो ना करें, ध्यान को छोड़ दें, ऐसे ही सेवा करें, जो कर सकते करें। और अगर आप ध्यान को करते हो तो साल तो बहुत बड़ी बात है, आपको 3 महीने में रिजल्ट मिलने लगेगा, 6 महीने में रिजल्ट मिलने लगेगा। अभी हम मंत्र का जाप करेंगे, वर्षदीप थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद Guruji explains that our Sankalp Shakti or Sankalp energy is linked to our Agya Chakra or our third eye. It's very important to strengthen that, but whatever we feed into our third eye is what gets multiplied more. So if we are someone that focuses on negative thoughts, don't strengthen your Agya Chakra, because it will only amplify and magnify that negativity. Guruji emphasizes again that it's very important that we recognize that we are all God's children and all positive energies live within us and are available to us at any time. There's no need to look for them outside. But once we recognize that internal energy, then going to pilgrimages and looking and finding positivity outside will be much easier. Guruji highlights that creating discipline in our spirituality and our daily schedule is very important. So for example, you wake up at 5 a.m., spend 30 to 45 minutes in meditation after brushing your teeth. You can do your diya, light your lamps, candles afterwards later in the day or after you take a shower. But that time early in the morning, right after you wake up, is very important. You are more receptive to positivity and spirituality at that time. If you do this consistently for 3 months, you will see results right away. But again, if you cannot find yourself to stay away from negativity, jealousy, forgiving others, judging others, then don't do this, because it will only multiply that negativity in your life and it will affect you. Now we will start mantra chanting. Kareem Kali Kaya Namaya Mantra Ka Jap Karein. क्योंकि शिव शक्ति की हीलिंग क्रिया चल रही है, तो ये माँ शक्ति का मंत्र है, आद शक्ति माँ महाकाली जी हैं। तो पहले ओम नमः शिवाय का जाप,
और महाकाली जी का जाप, दोनों आपको शक्ति देते हैं। पहले माँ को याद करेंगे, माँ के लिए क्लीम कालिका इन महा, 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 क्लीम फास्ट करें, क्रीम कालिकाय नमः, 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 स्लोली स्लोली मन में मंत्र का जाप करें। Listen to the sound of the mantra from inside your mind. धीरे धीरे अपने बॉडी को, माइंड को हीलिंग दें, क्लीन करने की कोशिश करें। अपने आज्ञा चक्र से रेजेज निकाल करके जैसे एवरी टाइम करते हो, स्लोली वन बाय वन गिव हीलिंग टू ईच ऑफ योर चक्रास, सेंड दैट हीलिंग एनर्जी फ्रॉम योर थर्ड आई और योर आज्ञा चक्र टू ईच ऑफ योर, जैसे षट चक्रा को, छह चक्रा को आप हीलिंग देते हो तो पूरी बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है। इसको विरेचन क्रिया बोलते हैं। जैसे बर्तन क्लीन हो जाता है तो उसमें जो भी डालो वो अच्छा रहता है, ऐसे ही क्लीनिंग के बाद जो हमारे शुभ संकल्प होते हैं वो पूरे होते हैं। भगवान खुशी खुशी, माँ की शक्ति, स्पिरिचुअल पावर हमें खुशी खुशी आशीर्वाद देती हैं। ऐसे ही सेकंड चक्र को थर्ड चक्र को नाभि चक्र को आठ चक्र को कंठ चक्र को फिर आज्ञा चक्र से पूरी बॉडी को, अपने सिर के इर्द गिर्द पूरे शरीर को
ये आप एवरी डे किया करें। बहुत से लोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आपका भी हो सकता है, कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं ध्यान में मंत्र के बारे में, अलौकिक शक्तियों के बारे में, स्पिरिचुअल पावर के बारे में, प्रैक्टिकली जो होता है, जिनको अनुभव होता है, तो उससे भिन्न होता है। आप देखें, आप कहीं घूमने के लिए गए हो किसी अच्छी प्लेस में, और आपने बाद में 10 लोगों को भेजा, 10 फैमिली और गए, सब लोगों का अनुभव अलग अलग होगा। आपकी आंख ने कुछ देखा, कुछ महसूस किया, दूसरे की आंख ने कुछ देखा, कुछ महसूस किया। ऐसे ही जब आपकी इंटरनल पावर्स बढ़ती हैं, तो सबको अलग अलग महसूस होता है, अलग अलग खुशी होती है। आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, कि छोटी सी बात से घबरा जाते हैं, और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसको कभी कभी नकारात्मक शैतानी शक्ति भी रोकती है आगे बढ़ने से, कि ये और आगे बढ़ गया तो क्या होगा। कभी कभी आपके 5 संकल्प थे, 4 संकल्प पूरे हो गए, 5वां अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा, तब आप जो 4 के पूरे हुए होते हैं उसके लिए भी थैंकलेस हो जाते हैं, उससे आपकी नेगेटिव और बढ़ जाती है। फिर आपका जो 5वां पूरा नहीं हुआ, आप उसी के बारे सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा भेव क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों बार बार होता है, मैं ही क्यों, उससे और नेगेटिव शक्ति बढ़ जाती है। फिर आप ध्यान कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, आपके ऊपर जो एक स्पिरिचुअल शक्ति है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, उसके बारे पहले बता चुके हैं आपको, वो सूक्ष्म शरीर समझता है, उसकी शक्ति समझती है कि इसको तो यही पसंद है, वो उसको और बढ़ा देती है, उसको और मल्टीप्लाई कर देती है। जब भी आपके साथ कोई नेगेटिव थॉट्स आने लगे, आप समझना कि आपका नुकसान होने वाला है, उसी टाइम उनको स्टॉप करना। किसी ABCD व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, आपके भाई बहनों के लिए आ रहे हैं, आपके काम के लिए आ रहे हैं, आपके गुरु के लिए आ रहे हैं, आपके माता पिता के लिए आ रहे हैं, उसी टाइम रोकना। ये चीज़ इतना गहरा आपका आघात करती है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं समझाएगा। आप चक्रा के बारे जान गए, चक्रा क्या होते हैं, इनका रंग क्या होता है, इनका मंत्र क्या होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला, आपका नॉलेज बढ़ गया। आपका होगा तभी जब आप ध्यान को, मंत्र को प्रैक्टिकल रूप में करोगे और अपने अंतर में अच्छी अच्छी चीज़ें लाओगे, जिसके बारे में पहले मैंने कहा है, पहले भी बहुत बार कहा है। हमें कहीं भी नेगेटिव नहीं होना है, कहीं भी नकारात्मक नहीं होना है, किसी को भी डाउन करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना और क्रोध को तो खत्म कर देना, गुस्से को खत्म कर देना, अपनी छोटी छोटी नेगेटिव को हंसी खुशी से उड़ा देना। अभी आपने नकारात्मक शक्तियों को निकालना और अभी आप शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे, और शक्ति क्रिया मुद्रा करते हुए ये संकल्प करेंगे कि मैं ऐसी नेगेटिव शक्तियों को कभी नहीं आने दूंगा जिनके ऊपर आज चर्चा हुई है। आज का ध्यान दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जो सफलता नहीं मिलती है, इसके बहुत से ऐसे कारण हैं। कभी बेटे शक्ति क्रिया मुद्रा पर, शक्ति क्रिया मुद्रा करते करते आप अपनी सब नकारात्मक शक्तियों को निकालेंगे और अपने मन में निश्चित दृढ़ निश्चय करेंगे कि मुझे ऐसी नेगेटिव शक्तियों को बिल्कुल अपने अंतर में नहीं लाना। मैं उस परमात्मा का बेटा हूँ, मैं माता रानी की बेटी हूँ, मैं माँ भगवती शिव शक्ति का बच्चा हूँ,
तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मुझे मेरे भगवान उंगली पकड़ के आगे ले जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है, उसको अकेले घर में कुछ करने को कहो, घबराएगा, घर में करेगा, घर से बाहर पार्क में गया, उसको जब तक ये पता होता है कि उसके मम्मी पापा साथ में हैं, उसका भाई साथ में है, बहन साथ में है, बड़ी साहस के साथ खेलता है, डरता नहीं है। जैसे उसको पता चलता कि उसके माम डैड इधर उधर हो गए, उसी टाइम घबराने लगता है, डरने लगता है। हमें अपने माँ बाप को, जो हमारे भगवान हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं, हमारे भगवान हैं, उनको याद करना। जो मंत्र आप बोलते हो ना, श्लोक तमेव माता जा पिता तमेव, उसको प्रैक्टिकल रूप से लेना कि भगवान तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है, तू ही विद्या है, तू ही धन है, तू ही दौलत है, तू ही मेरे देवताओं का देवता है, तू ही ईश्वर है। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हम प्रैक्टिकली ऐसी भावना रखेंगे तो हम कभी भी निराश नहीं हो पाएंगे। मैं सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालता हूं। आज से मैं दूसरा व्यक्ति हूं, इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त होता हूं, इन एक्टिविटी से मुक्त होता हूं। ऐसे शक्ति क्रिया मुद्रा कैंसिल करें, धीरे धीरे अपने हाथों को देखें, ऐसे टच करें बॉडी पे, रब करें। आज फिर हम भगवान शंकर जी का, भगवान श्री महामृत्युंजय जी का मंत्र का जाप करेंगे, बीज मंत्र का, जो हीलिंग के लिए, हेल्थ की हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल है, मानसिक हीलिंग के लिए बहुत पावरफुल है। आपको भी हीलिंग मिलती है, आप इससे दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो। तो इसके पश्चात कुछ दूसरे मंत्र हैं, वो थोड़े गोपनीय हैं, ऐसे बताना मुश्किल है, गुरु लोग आज्ञा नहीं देते हैं, पर इस मंत्र से आप सभी लोग हील कर सकते हो। ओम ह्रौं जों सः, अभी हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रौं जों सः, 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 ओम ह्रौं जों सः। धीरे धीरे मन में जाप करें, कम से कम जो भी मंत्र आप करें पॉजिटिविटी के लिए, जैसे ओम ह्रौं जों सः कर रहे हो, कोई दूसरा मंत्र कर रहे हो, अपने आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको कर रहे हो, तो कम से कम
24 मिनट करना चाहिए। वो 24 मिनट आपको 24 आवर जागृत रखेगा। उस कहते हैं एक घंटे के लिए एक मिनट भगवान को दे दो, 24 आवर में 24 मिनट आप माता रानी को दे दो, भगवान को दे दो, अपने इष्ट को दे दो। बहुत सुंदर कहा किसी महात्मा ने, ये एक घंटे में एक मिनट देते हो आप, देखो 24 मिनट सीधे सीधे दे दो, एक घंटे बाद सिर्फ इतना याद कर लो कि मैं उस शिव शक्ति का बच्चा हूँ, मैं मेरे गुरु महाराज हैं सब कुछ, मेरी माँ है माँ राजेश्वरी है, माँ बगलामुखी जी हैं। आप घंटे बाद मन ही मन में एक बार याद करने की आदत डालोगे, आप इतने पावरफुल फील करना शुरू करोगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप देखना कभी कभी आप उदास होते हो, परेशान होते हो, आपकी किसी फ्रेंड से, अपने माताजी से, पिताजी से, वाइफ से, हस्बैंड से, दोस्त से बात हो जाती है, अचानक आप में एनर्जी आ जाती है, आप ठीक हो जाते हो। परेशानी वो की वही है, बात वही की वही है, पर आप एनर्जेटिक हो गए। आप देखो कि आप एक आम व्यक्ति से बात करने के बाद एनर्जेटिक हो गए हो, आप में शक्ति आ गई है। तो जब आप ऊपर वाले को याद करोगे जो सभी का मालिक है, उस शक्ति को याद करोगे, तो जब आपको ये पता चलता है कि मैं तो उसी का अंश हूँ, वो मेरी है, मैं उसका हूँ, मेरे उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। एक ऐसी स्थिति आती है आपके गुरु महाराज भी आपको उनके साथ में लगा करके साइड में हो जाते हैं, वाच करते हैं, जहाँ कहीं गलती होती फिर कह देते हैं बेटा ये गलती हो गई, इसको ठीक करो। अगर आप ऐसे ऐसी सोच ले आओगे, आप सच में आपके लिए फिर स्वर्ग यहीं पे होगा, इसी धरती पे होगा। आप जैसा कोई सक्सेस नहीं होगा, आप उस सक्सेस को एंजॉय कर पाओगे। ये मैं आपको अपने अनुभव की बात करता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई दुख सुख आए होंगे, पर जब मुझे मेरे गुरु महाराज का पता चलता है कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, मेरे साथ हैं, मेरे मुझे लगता है मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। गुरु कृपा की ऐसी बात होती है, मेरी माँ है और मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। अपने सांस लें डीपली बेटा, ब्रीथिंग कराओ का स्टार्ट। Now we will do deep breathing. Deeply inhale. Four. Exhale. Inhale. Four. Exhale. Inhale, and when you inhale, you should feel your belly button, your belly swell up, like you see with little imprints. Feel it in your nabhi chakra, your breath reaching your nabhi chakra. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale. Hold. Exhale.
Hold. Exhale. You may now relax your breathing. अपनी सांस को महसूस करें, साक्षी भाव से आप सांस ले रहे हो, आप सांस छोड़ रहे हो, सांस को महसूस करने की कोशिश करें। सांस नेचुरली लेनी है जैसे ले रहे हो, सिर्फ सांस के साथ एक होना है, सांस को महसूस करना है। मन एकाग्र करने की ये बहुत अच्छी विधि है। ज्ञान भैरव तंत्र में इसको बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है, तो सभी लोगों को इसका बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। ब्रीथिंग लेनी है आराम से, पर महसूस करना है, उसको देखने की कोशिश करनी है। आप साक्षी हो जाएं, ब्रीथिंग लेने वाला कोई और है, आप सिर्फ देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। Continue to naturally breathe, and as you're doing that, witness your breath. धीरे धीरे भगवान शिव शक्ति के चरणों में चले जाएं, भगवान शिव जी के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में, और इस प्रक्रिया को शिवरात्रि तक दोहराएं जितना दोहरा सकते हो। शिवरात्रि की रात्रि को जितना ज्यादा हो सकता है जगने की कोशिश करना, और जितना ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हो मंत्र साधना करने की कोशिश करना। जगना है मंत्र जाप करने के लिए, वैसे नहीं जगना। सेवा करने के लिए जगना है, साधना करने के लिए जगना है। के चरणों में पहुंच गए, इष्ट के चरणों में पहुंच गए, बस उनको निहारें, प्यार करें उनको, जो भी आपकी कथा व्यथा है कहने की कोशिश करें। आपके जो भी इष्ट आपके सामने आए हैं जबरदस्ती नहीं कोशिश करना, कभी आपके गुरुदेव आ सकते हैं, माता जी भी आ सकती हैं, भगवान शंकर भी आ सकते हैं, कोई और भी आ सकते हैं, जो भी आपके सामने आए हों उनको प्रणाम करें, उनको अपनी प्रार्थना कहें, जो चाहते हैं कहें, वो जानते हैं सब कुछ, फिर भी मन ही मन आप कहें जो कहना है। जो आप होना चाहते हो जो बनना चाहते हो जो आपका गोल है विजुलाइज करें कि माँ भगवती ने आपके गुरु जी ने आपको आशीर्वाद के रूप में दे दिया है, आपको फील करें उसको प्रेजेंट में फील करें, जैसा आपको गोल होने के पश्चात महसूस हो ऐसी महसूस करने की कोशिश करें।
आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए आपको ज़्यादा शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने से पहले 10 मिनट, सुबह उठने के पश्चात 10 मिनट अपने संकल्प को दोहराएं, पिक्चराइज करें, विजुलाइज करें, पर साथ में जो आपको प्रार्थना की है उन सब नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूर्ण समर्पण भावना के साथ जब करेंगे तो जरूर आपका संकल्प पूरा होगा। आपका संकल्प पूरा हो गया, माता रानी ने कृपा कर दी, धीरे धीरे अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का, भगवान शंकर का, माता रानी का थैंक्स करें, शुक्रिया करें। और वीर पंथ मुद्रा को करें, slowly take your hands back, open your eyes, look at your hands, touch your third eye, place your hands in the Anjali Mudra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Mata Rani, Bhagwan Ishwar, Gurudev, आपके सब संकल्प पूर्ण करें, आपको अपने चरणों में लगाएं, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले और आप आगे बढ़ें आध्यात्मिकता में, भक्ति में, भौतिकता में। फिर आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। सदा खुश रहें।